रशीद अली साहब फौजी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। डेली न्यूज चैनल मौजूद है आज प्रेमा कटियार कॉलेज के पास। एक गाय का एक्सीडेंट हुआ है, अज्ञात ट्रक से हुआ है, जो कि गाय अभी भी तड़प रही है, गाय की जान नहीं निकली हुई है। हम बात आज करते हैं कि योगी सरकार दावा करती है कि गाय सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो लोगों से भी मैंने बातचीत की है, ना तो गाय ही सुरक्षित है और ना ही किसान सुरक्षित है, क्योंकि गाय रोडों पर बहुत ही मारी जा रही है ट्रकों द्वारा, अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते हैं। कई वीडियो हमारे चल भी रहे हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं कई जगह गौ हत्या इसी तरीके से हो जाती है इस पर। जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने 30 अक्टूबर को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अकबरपुर में बात की थी कि एक महीने के अंदर सारी गाय गौशाला के अंदर होनी चाहिए। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ना ही गाय आज नवंबर दिसंबर खत्म होने जा रहा है, अभी तक गाय रोडों पर घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि गाय का ये हालात दिखाएं, इस तरीके से आकर के इधर दिखाइए आके, किस तरीके से इसका ब्लीडिंग निकल रहा है, तड़प रही है। मेरा भी दिल बहुत ही कमजोर हो रहा है इसको देखकर, और भी भाई लोग हमारे यहाँ खड़े हैं। गाय जिस तरीके से तड़प रही है, अभी इसकी जान नहीं निकली हुई है, अज्ञात ट्रक द्वारा इस गाय का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जबकि हम आज दावा करते हैं, सरकार हमारी दावा करती है, उत्तर प्रदेश योगी सरकार, कि गाय सुरक्षित है। लोगों का कहना है कि गाय सुरक्षित नहीं है और ना ही किसान सुरक्षित है। इन्हीं लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। भाई साहब, आपका सब नाम क्या है? करण पाल जी, आप ये बताइए कि योगी सरकार जो दावा कर रही है कि गाय सुरक्षित है, गौशाला मैंने बनवाए हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, गौशालाएं खुलवाई जाए, जो हर गांव में गौशाला है, उसमें जो है तो गाय सुरक्षित रहे हैं, उनके लिए आदमी मतलब व्यवस्थित रूप से जो आदमी है गांव का, वो अपना सानी चारा दिए, उनको लगाए, उनकी सुरक्षित भरण पोषण करे, वो अच्छी बात है। ऐसे दिन भर आदमी मजदूरी नौकरी करके ना रात में जो है खेतों में देखता है, रोडों पे दौड़ रही है, आए दिन रोज हादसे हो रहे हैं, उसके साथ आदमी भी जाने जा रही है। आपका क्या कहेंगे भाई साहब? आपका नाम क्या है? नारायण खुदा। कहाँ के रहने वाले हैं? आप इस गाय के एक्सीडेंट के बारे में आपका भाई साहब तुम नाम क्या है? राम कुमार जी, आप बताइए गाय के एक्सीडेंट के बारे में क्या? रोज मर रही है, रोड पे गाय घूम रही है, अब तक वाले आते हैं टक्कर मार देते हैं। तो सरकार दावा कर रही है कि मैंने गौशाला बनवाए हुए हैं और गौशाला में गाय है, कहीं कोई गौशाला नहीं है जी, कोई गौशाला नहीं है क्षेत्र में, कोई गौशाला नहीं है, कुछ नहीं है। आपका भाई साहब क्या नाम है? अग्नोत्री जी, आप इस गाय के एक्सीडेंट के बारे में जिस हालात पे ये पड़ी हुई है, मेरा भी दिल इसको देखकर बहुत कमजोर हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस गाय? मेरा भी दिल बहुत कमजोर हो रहा है, देखकर बड़ा अंदर से वो महसूस हो रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, गाय तो गौशाला तक नहीं खुलवाए गए हैं, ये सब जो है नेता लोग आते हैं, सब आप वादे करके चले जाते हैं, योगी सरकार भी जो वादे वादा करती है कि नहीं गाय हमारी सुरक्षित है, किसान सुरक्षित नहीं, किसानों के खेत भी सुरक्षित नहीं है, जब गौशाला नहीं बनेंगे, इनके साथ देख रेख नहीं होगी, तो इस तरह गाय आपको रखते रहेगी, तो सरकार हमारी क्या करेगा, जनता क्या करेगी? जैसे अभी 30 अक्टूबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने अकबरपुर में एक प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली थी, उन्होंने कहा था कि एक महीने के अंदर सारी गाय गौशाला में होना चाहिए, तो प्रशासनिक अधिकारियों का भी इसमें रोल लगना चाहिए। अधिकारियों का रोल, अगर वो चाहे तो आपका देर नहीं लगेगी, 15 दिनों में गौशाला रेडी हो जाएगा, और सारी गाँव में जितनी गाँव में घूम रही गाय गाँव गाँव में खेतों खेतों में, किसान भी सुरक्षित रहेगा और गाय भी सुरक्षित रहेंगी, तो सरकार भी उसके पास सचेत नहीं हो रही है। हमारा नाम संजय है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा हैदरपुर। इस तरीके से गाय की जान अभी निकली नहीं है, गाय तड़प रही है, अज्ञात ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, इस पर क्या कहेगा? हमारा बहुत दुख हो रहा देख करके भाई यार, ये गाय ऐसी पड़ी है, देख करके बहुत
मुसीबत खड़ी हुई है बोल देना किसान सुरक्षित ना गाय सुरक्षित है किसान तो सुरक्षित गाय तो बिल्कुल नहीं सुरक्षित है गौ वाला है बस लोग जानते हैं। आपका भाई साहब कब नाम क्या है? छोटन छोटन कुमार। छोटन कुमार आप ये बताइए जो ये गाय पड़ी तड़प रही है योगी सरकार दावा ठोक रही है कि गाय सुरक्षित है इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत हुआ आज जी सुबह में ये लमसम आधे घंटे हो गया था जी। ये जिसने भी किया मतलब उसको बचेगा नहीं कहीं भी पकड़ा जाए सरकार है जो बाबा गौशाला बनवाया है मतलब हमने फोन किया है वो आने वाले हैं पश्चिम दल वाले अभी इसकी सेवा होगी। आपका शुभ नाम क्या है? पंकज गौतम। आप क्या कहेंगे इस गाय के एक्सीडेंट को? गाय के बारे में गाय माता है जी ठीक है जी अपना किसान भाई सबको सेवा जी लेकिन गाय माता नहीं थे जी नहीं सुरक्षित नहीं है नहीं है जी बस गाय माता नहीं है जी अपना किसान भाई सबको आराम से है बस क्या है कि गाय माता गौशाला में पहुँचना चाहिए कायदे से लेकिन ये प्रशासन है जो अपना वो नहीं काम कर रही जी प्रशासन काम नहीं कर रहा नहीं कर रही अपना काम करे तो जैसा मैंने अभी लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि गाय बिल्कुल सुरक्षित नहीं है गाय का डेली एक्सीडेंट हो रहा है हर जगह ट्रक कोई मार जाता है कोई गाड़ी धक्का मार जाती है गाय इसी तरीके से तड़प तड़प कर मर जाती है और गाय को सुरक्षित करने के लिए लोगों का कहना है कि गौशाला खुलवाए जाए भाई बाप हर क्षेत्र विधायक जी का नाम विधायक जी का और गौशाला खुलवाने के बाद में यहाँ पर गायों को सुरक्षित रखा जाए जिससे कि किसी तरीके का यहाँ पर गायों का नुकसान ना हो। मेरी भी सरकार से योगी सरकार से बार बार ये अपील है कि गाय को सुरक्षित रखने के लिए गौशाला ब्लॉक स्तर पर खुलवाया जाए और गायों को वहाँ पर सुरक्षित रखा जाए। जिस तरीके से यहाँ पर गाय का ये खून बह रहा है इसको बिल्कुल देखने के लायक नहीं है इससे बहुत ही गाय को नुकसान हो रहा है और गायों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला जाए जिससे कि गाय सुरक्षा हो। यही मेरी सरकार से अपील है। डेली न्यूज चैनल के लिए मुख्यालय से मैं रशीद अली साहब फौजी जय हिंद।